नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबानी नियंत्रण लगभग 2 महीने पूरे करने जा रहा है। अमेरिकी सेनाओं की वापसी और बड़े पैमाने पर मची अफरा तफरी के बीच तालिबानी निज़ाम ने काबुल के सत्ता की चाबी तो हाथ में ले ली, लेकिन अफगानिस्तान के तबीयत सुधारने का तालिबान के पास ना तो कोई नुस्खा है और ना ही कोई दवाई। ऐसे में अफगानिस्तान को गहराते मानवीय संकट से बचाने के उपायों पर मंथन के लिए आज भारत समेत G20 समूह देशों के नेता विशेष बैठक के लिए जुट रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान समेत दुनिया की कई बड़े अर्थव्यवस्थाओं वाले देश इटली की अगुवाई में हो रही अहम बैठक के लिए जमा होंगे। इस महीने के आखिर में रोम में होने वाली G20 शिखर बैठक के पहले दुनिया की 80% अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करने वाले मुल्क वर्चुअल बैठक के मंच पर मिलने जा रहे हैं और ऐसे में खास तौर पर अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा के लिए बुलाई गई इस बैठक को पीएम मोदी भी संबोधित करेंगे। जाहिर है G20 के इस वैश्विक मंच पर जहाँ भारत की कोशिश जहाँ अफगान लोगों के लिए सहानुभूति और मदद के हक में होगी, वहीं जोर इस बात पर भी होगा कि तालिबान को अल्पसंख्यकों और महिलाओं की हिफाजत समेत मानव अधिकारों पर जवाबदेह बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को दिए 24 सितंबर के अपने संबोधन को लेकर 17 सितंबर को दिए गए अपने भाषण में सुरक्षा परिषद में पारित प्रस्ताव 2593 में तालिबान को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई से लेकर समावेशी सरकार बनाने जैसे मुद्दों पर ठोस कदम उठाने के लिए कहता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि G20 देशों की यह आपात और महत्वपूर्ण बैठक जहां अफगान लोगों के लिए गहरे मानवीय संकट पे मदद के उपाय जुटाने का प्रयास करेगी, वहीं तालिबानी निज़ाम पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक बर्ताव करने का दबाव भी बनाएगी। सूत्रों का कहना है कि भारत अफगान के लोगों के साथ खड़ा रहा है। ऐसे में सत्ता परिवर्तन और तालिबान के आने के उपजे अफगानिस्तान के मौजूदा हालात में भारत अफगान के लोगों तक मदद मुहैया कराने का रास्ता लगातार तलाशता रहेगा। हालांकि ये भी स्पष्ट है कि मानवीय सहायता उपलब्ध कराने का मतलब राजनीतिक मान्यता या स्वीकार्यता से जोड़कर इसे नहीं देखा जाना चाहिए। सपा मुखिया अखिलेश यादव की विजय यात्रा जाजमऊ से शुरू होकर 4 जिलों में घूमते हुए कानपुर देहात में जाकर समाप्त होगी। 2 दिन में यात्रा करीब 190 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ऐसे में राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय लाठर ने माल रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों को बताया कि ये यात्रा चुनावी अभियान का आगाज है। विजय यात्रा के जरिए गंगा जमुनी तहजीब को सामने लाया जाएगा और यात्रा कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन और हमीरपुर में ही रहेगी। उन्होंने बताया कि पहली सभा घाटमपुर में नेवेली लिंग नाइट के पास होगी और ये योजना अखिलेश सरकार की है। दूसरे दिन समापन सभा कानपुर देहात में अमूल्य दूध प्लांट के पास होगी और ये योजना भी अखिलेश सरकार के समय की ही है। इसके साथ ही उन्होंने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, मूल्य वृद्धि समेत कई समस्याओं पर चर्चा की। वहीं सपा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर इमरान ने बताया कि मंगलवार सुबह यानी कि आज सुबह 11 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष का गंगा पुल पर स्वागत किया जाएगा और इसके बाद एलिवेटेड रोड से नौबस्ता वो जाएंगे, वहाँ भी स्वागत किया जाएगा। पूरे रूट में स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। के शहर के अंदर न जाने के सवाल पर उन्होंने बताया कि इससे जाम लगता है और बाद में चुनावी सभाएं तो होंगी ही। दूसरी तरफ सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने रूट का जायजा भी ले लिया है। तो ऐसे में आज से यूपी में सपा के मुखिया अखिलेश यादव चुनावी रैली से आगाज करने जा रहे हैं, विजय यात्रा निकाल रहे हैं वो आज, और ये कानपुर में निकलेगी, वहाँ पर 4 जिलों में होकर इसका समापन होगा। विजय यात्रा से चुनावी शंखनाद की शुरुआत अखिलेश यादव करने जा रहे हैं। आपको बता दें जाजमऊ से रैली यात्रा शुरू होगी और 4 जिलों में जाकर ये खत्म होगी।
समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर जनपद में प्रथम आगमन पर डॉक्टर एच एन सिंह पटेल का पार्टी द्वारा जिलाध्यक्ष धर्म प्रकाश यादव के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया, जिसमें एच एन सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार के भय मुक्त भ्रष्टाचार को समझकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। हम सभी इस बार 2021 के शुभारंभ के अवसर पर भी सभी को तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं। और इस मामले में एच एन सिंह ने बताया कि समय समय परिवर्तन होता रहेगा, इसी को लेकर हमने भी परिवर्तन करने का काम किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा 100 दिन 100 कार्यक्रम, इसके अंतर्गत हम लोगों ने 3 महीने का कार्यक्रम तय किया, जिसके अंतर्गत अक्टूबर के महीने में 15 अक्टूबर के पहले सभी जनपदों की और सभी मंडलों की बैठक हम संपन्न कर लेंगे और 15 अक्टूबर से लेकर, यह कार्यक्रम हमारा 7 अक्टूबर से था लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ के बैठकों के मंडलों का गठन का कार्य पूरा हो गया हमारा, सभी मंडल इकाइयां हमारी गठित हो गई और अब हम मंडल तक की बैठक करके 15 अक्टूबर से ग्राम चौपाल के कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश की 56,000 ग्राम पंचायतों में और सभी ग्राम पंचायतों, अपने क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में हम जाएंगे और किसानों के बीच में बैठ करके हमारे कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की जो किसान कल्याण की योजनाएं हैं, ये दावे के साथ कहा जा सकता है और आम जनता इस बात को मानती है कि किसान कल्याण की दिशा में जितने काम भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश की और केंद्र की मोदी जी की सरकार ने किया है, संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने और किसी भी सरकार ने नहीं किया। प्रकृति का जो एक नियम है परिवर्तन, समय समय पे प्रकृति भी अपने आप में परिवर्तन करती है, उसी तरह मान लीजिए मैं भी कर लिया परिवर्तन। हमारी बात तो छोड़ दीजिए, प्रकृति की बात मैं करता हूँ, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और आज की तारीख में जिस आइडियालॉजी को लेकर मैं भाजपा में गया था, हमारे हिसाब से भाजपा संभवतः उस आइडियालॉजी से थोड़ा अलग हट गई। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि 17 की तुलना में 22 भाजपा के लिए बहुत कमजोर। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक यशपाल आर्य और उनके सुपुत्र संजीव आर्य की कांग्रेस में घर वापसी के बाद दिल्ली से देहरादून वो पहुंचे। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह ने देर शाम जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचकर उनका जोरदार स्वागत किया। यशपाल आर्य की घर वापसी पर प्रीतम सिंह ने कहा कि यशपाल आर्य सदा ही मूल रूप से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और उनकी घर वापसी से कांग्रेस को और मजबूती मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि यशपाल आर्य की कांग्रेस की वापसी में उनसे जो कहा जा सकता था उन्होंने वही किया। आगे कौन कौन लोग कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, इस सवाल पर प्रीतम सिंह ने कहा कि राजनीति में सभी के लिए दरवाजे खुले रहते हैं, आगे क्या क्या होता है ये देखते रहिएगा। यशपाल आर्या जी मूल रूप से जो है कांग्रेसी रहे हैं, 2017 में किसी कारणवश जो है वो हमसे अलग चले गए थे, लेकिन जिस राजनीतिक दल में गए उसमें ना तो आंतरिक लोकतंत्र है और ना ही कार्य करने के लिए पूरी छूट जो है राजनीतिक लोगों को दी जाती है। और यशपाल आर्य जी से त्रस्त थे, उन्होंने सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी में
विश्वास व्यक्त करते हुए स्वयं भी और संजीव आर्य जी जो विधायक थे उन्होंने भी जो है कांग्रेस पार्टी में आने का निर्णय लिया। हम उनका स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से उनके आने से उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस को बल मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरी भूमिका रही। यशपाल आर्या जी, मैंने कहा कि मूल रूप से कांग्रेस में जो है विश्वास रखते थे और वो सोनिया जी और राहुल जी से प्रभावित होकर के उन्होंने कांग्रेस परिवार में शामिल होने का निर्णय लिया और जो थोड़ा बहुत सहयोग हमसे भी बन पड़ता था, हमने भी इस दिशा में जो है जो हमसे बन पड़ता था उसको करने का काम किया। बीजेपी सरकार के परिवहन और समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर में जुलूस निकालकर जमकर आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। आपको बता दें, जश्न लालकुआ में मनाया गया और दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर सूबे में बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई, जहाँ लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता ट्रांसपोर्ट नगर एकत्रित हुए, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी के साथ नगर में विशाल जुलूस निकालकर रेलवे स्टेशन चौराहे पर जमकर आतिशबाजी भी की। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि नेता तो मान लीजिए आते हैं, उनका वेलकम है, लेकिन जनता उतावले है कांग्रेस सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस जनता में ऐसा उबाल है कि इस सरकार से लोग उब गए हैं। आप किसी भी चीज़ का ले लीजिए, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो महंगा, अरे अच्छे दिन जो इन लोगों ने सपने दिखाए थे वो सपने जनता के चूर चूर हो गए हैं। अब जनता समझ गई है कि ये चिकनी चौपड़ी बातें करने वाले लोग हैं। अब वास्तव में विकास का रास्ता कांग्रेस का होता है और विकास करेगी तो कांग्रेस करेगी। आज कांग्रेस के लिए बड़े हर्ष की बात है कि हमारी पुरानी जो एक रीढ़ की हड्डी थी जो किसी कारण भड़क गई थी वो वापस कांग्रेस में आ गई है और हम लोग 2022 को फतेह करेंगे। और मिलजुल कर अब हमें और नई ऊर्जा मिली है यशपाल आर्य जी के आने से, काबीना मंत्री आदरणीय यशपाल आर्य जी के आने से, उनके बेटे संजीव आर्य जी के आने से हमें कांग्रेस पार्टी में एक नई ऊर्जा मिली है। उस ऊर्जा 2022 में बहुत काम आएगी और 2022 हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, ये हमारा विश्वास दृढ़ विश्वास है कि हम लोग 2022 में कांग्रेस फतेह करेंगे, पंजे को जिताएंगे और विधानसभा में परचम लहराएंगे। यशपाल आर्य एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा चेहरे हैं वो हमारे। वो मेरे भाई, मेरे को याद है कि 1995 में मुझे कांग्रेस भी उन्होंने ही ज्वाइन कराई थी। वो मेरे, एक तौर से कहा जाए तो मेरे राजनीतिक गुरु थे, गुरु हैं और गुरु रहेंगे। ठीक है, हम लोग दोनों अलग अलग पार्टियों में थे, लेकिन जो है वो एक, मुझे भी बड़ा अजीब लगता था कि हमारे गुरु भाई देखिए वो दूसरी पार्टी में है, आज वो यहाँ पर वापसी उन्होंने की है तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि निश्चित ही खाली लालकुआ विधानसभा में नहीं, पूरे कुमाऊँ में और गढ़वाल में यशपाल आर्य जी के आने से कांग्रेस की सीटों में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। भाई ऐसा कोई विचार विमर्श टिकट को लेकर नहीं हुआ है, लेकिन जो है जिसको भी यहाँ पर टिकट मिलेगा ठीक है, उसकी योग्यता के अनुसार, उसके फील्ड में काम करने के अनुसार उसको जो है यहाँ पर टिकट मिलेगा। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आएगा, निश्चित ही इस बार ये जो है समय कांग्रेस का है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय यशपाल आर्य जी और माननीय संजीव आर्य जी का कांग्रेस परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। जिस तरीके से आज यशपाल आर्य जी कांग्रेस में वापसी हुई है उनकी, इसी तरीके से हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो कांग्रेस परिवार में वापसी करेंगे। भाजपा के बड़े बड़े ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनको इस तानाशाही सरकार जो है इसमें अपने को घुटन महसूस कर रहे हैं वो लोग, और जल्द ही 2022 से पहले कई भाजपा के ऐसे दिग्गज नेता हैं जो इस तानाशाही सरकार के जो बीच में घुटन महसूस कर रहे हैं वो कांग्रेस में अपनी ज्वाइनिंग करेंगे और आगामी 2022 में उत्तराखंड में सभी के नेतृत्व में माननीय हरीश रावत जी, माननीय प्रीतम सिंह जी, माननीय देवेंद्र यादव जी, माननीय दीपिका पांडे जी और माननीय गणेश गोदियाल जी, माननीय राजेश धर्माणी जी, इन सब के नेतृत्व में कांग्रेस की उत्तराखंड में सरकार बनेगी। और जितने भी लीडर हमारे बीच में आएंगे उन सब के आने से, यहाँ पर यशपाल आर्य जी के आने से भी हम लोगों को बहुत बहुत फ़ायदा होगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोयले की किल्लत की आशंकाओं के बीच बिजली विभाग की बैठक की है। सीएम योगी ने राज्य में लगातार बिजली सप्लाई का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गांव हो या शहर हो, राज्य में रात में बिजली नहीं कटेगी। सीएम योगी ने बिजली विभाग के अफसरों को कहा कि वो राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत है तो बिजली विभाग अतिरिक्त बिजली खरीदे। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में कोयले की किल्लत की आशंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि कोयले की किल्लत की वजह से बिजली उत्पादन प्रभावित हो सकता है और इस वजह से कई राज्यों को सप्लाई की जाने वाली बिजली में कटौती की जा सकती है। इसकी वजह से राज्यों में अंधेरा छा सकता है और इन आशंकाओं के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह अहम बैठक की थी। आपको बता दें कि अभी त्योहारी सीजन है, उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी को बिजली की भारी जरूरत है। शाम को बाजारों में खरीदारी भी होती है। ऐसे में इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन लोगों को दिया है कि चाहे शहर हो या गांव हो, लेकिन बिजली नहीं कटेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के दूसरी कट ऑफ में स्नातक कोर्सेज की कुल 70,000 सीटों में से 40,000 से ज्यादा सीटों विद्यार्थी अपना आवेदन कर चुके हैं। दरअसल दूसरी कट ऑफ के पहले दिन ही 2,103 छात्रों ने फीस का भुगतान कर दाखिला ले लिया है, जबकि अभी दूसरी कट ऑफ के दाखिले के 2 दिन और बाकी हैं। ऐसे में दूसरी कट ऑफ के एडमिशन के आंकड़ों को पहली कट ऑफ में जोड़ें तो अब तक 38,233 बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। पहली कट ऑफ में कुल 36,130 बच्चों ने एडमिशन लिया था। वहीं सोमवार को शुरू हुए दूसरी कट ऑफ के दाखिले के पहले दिन कई कोर्सेज के लिए सिर्फ 29,086 बच्चों ने ही आवेदन किया। कॉलेजों ने 2,593 एडमिशन्स को मंजूर किया, जबकि 2,103 ने कोर्स की फीस का भुगतान कर दाखिला अपना पक्का कर लिया। वहीं दूसरी कट ऑफ में कितने एडमिशन रद्द कराए गए, प्रशासन से इसकी जानकारी नहीं दी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक कोर्सेज में बीते साल के मुकाबले इस बार भी दाखिला रद्द कराने पर ब्रेक लग गया है। आपको बता दें, पहले दिन ही कॉलेजों में 4 से लेकर 45 तक दाखिले रद्द करे गए और जिस तरह से काम किया जा रहा है उससे कई कॉलेजों की तीसरी कट ऑफ में दाखिले की कमी की संभावना भी रहेगी। वहीं सोमवार को शुरू हुए दूसरी कट ऑफ के एडमिशन्स की रफ्तार और ज़्यादा तेज रही। सोमवार को कई कॉलेजों में 20 से लेकर 150 से ज़्यादा एडमिशन हुए। ऐसे में कई कॉलेजों में जिन कोर्सेज की सीटें कम हैं, वहाँ दूसरी कट ऑफ के बाद दाखिले पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। वहीं दूसरी कट ऑफ के पहले दिन बच्चों ने सोच समझ कर काफ़ी पूछताछ कर एडमिशन लिया और रद्द भी कराया। शनिवार को जारी कट ऑफ में 0.25% से लेकर 3% तक गिरावट भी हुई, लिहाजा बच्चों ने बेहतर कॉलेज और कोर्सेज की चाह में एक कॉलेज से अपना दाखिला रद्द करा लिया। दरअसल पहली कट ऑफ में ही DU की आधी से ज्यादा सीटें भर गई थी। ऐसे में कॉलेजों की दूसरी कट ऑफ में बच्चों के पास सीमित विकल्प ही बचे हैं और कुछ कॉलेज प्रिंसिपल मानकर चल रहे हैं कि उनके यहाँ कुछ कोर्सेज के दाखिले तो दूसरी कट ऑफ में ही बंद हो जाएंगे। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच महाराष्ट्र से एक अच्छी खबर सामने आई है। जी हां, कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र अब कोरोना संक्रमण के मामलों में करीब 17 महीने बाद कमी देखने को मिली है। महाराष्ट्र में सोमवार को COVID-19 के 1736 सिर्फ नए मामले आए, जो कि 17 महीनों में एक दिन में संक्रमण के सबसे कम मामले हैं। इसके साथ ही सिर्फ 36 ही मरीजों की जान भी गई। ऐसे में राज्य में अब मृतकों की संख्या 1,39,500 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 65,00,000 के पार हो चुकी है। वहीं राज्य में 16 मई 2020 के बाद से संक्रमण के सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं। उस समय संक्रमण के 1,606 नए मामले दर्ज किए गए थे। ऐसे में अधिकारी ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में अस्पतालों से 3,033 मरीजों को छुट्टी भी दी जा चुकी है। इसके बाद संक्रमण मुक्त हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 64,00,000 के पार हो चुकी है। ऐसे में महाराष्ट्र में अभी COVID-19 के 32,115
मरीज उपचाराधीन हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 2 लाख से ज्यादा लोग होम क्वारंटीन में हैं और बाकी के 1163 लोग संस्थागत क्वारंटीन में हैं। अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र की COVID-19 रिकवरी दर 97.34% है, जबकि मृत्यु दर 2.12% है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में 1,05,000 से ज्यादा नमूनों की जाँच की गई, जिसके बाद राज्य में किए गए कोरोना प्रशिक्षणों की कुल संख्या 6 करोड़ से ज्यादा हो गई है। ऐसे में अधिकारियों के मुताबिक 15 जिलों और 5 नगर निगमों में COVID-19 के नए मामले दर्ज नहीं किए गए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार रात को ही केरल के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कुछ इलाकों में भारी बारिश होगी, वहीं कुछ जगहों पर मध्यम बारिश का अनुमान भी है। कर्नाटक में भी आज भारी बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना जताई गई है। वहीं बेंगलुरु में भी बारिश की वजह से यहाँ के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जल जमाव है और ऐसे में 12 अक्टूबर यानी कि आज केरल के कोल्लम और कोट्टायाम, अल्फाफुजा, अर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं त्रिशूर और मल्लपुरम जैसे इलाकों के लिए हल्की बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें, सोमवार को जारी पुनः अनुमान में मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3 दिनों तक मध्य महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण में भी बादल गरजने के साथ बारिश की पूरी संभावना जताई गई है। देश भर में दुर्गा पूजा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अलग अलग तरह की सजावटें और तरह तरह से सजे पंडालों की चमक देखते ही बनती है। असम और कोलकाता में तरह तरह के पूजा पंडाल सजाए गए हैं। असम के गुवाहाटी में एक पंडाल कोरोना वैक्सीन की थीम पर बनाया गया है। वहीं कमेटी के प्रबंधक ने बताया कि हम कोरोना वायरस से बचाव और सुरक्षा के लिए उपायों का भी डिस्प्ले कर रहे हैं और SOPs का पालन किया जा रहा है। लोग रात के 9 बजे से पहले ही पूजा पंडालों में आ सकेंगे। वहीं ओडिशा में जब नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था तो बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल 20 अक्टूबर तक उड़ीसा में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और ऐसे में 500 साल पहले से चली आ रही दुर्गा पूजा कार्यक्रम की सोमवार से शुरुआत हो चुकी है। पूजा पंडाल को सजाने के लिए 400 किलो सोना और 250 किलो चांदी का इस्तेमाल भी किया गया। एक व्यक्ति ने बताया कि 5 बजे से पूजा शुरू होकर रात 10 बजे तक खत्म होगी। इस दौरान कोविड नियमों का पालन भी किया जाएगा। वहीं कोलकाता में भी 12 अक्टूबर यानी कि आज से 15 अक्टूबर तक कोरोना वैक्सीनेशन को स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद पहले की तरह वैक्सीन की खुराक भी लगाई जाएगी। दरअसल इस समय कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए राज्य में बाहर से भी लोगों की भीड़ आती है। ऐसे में चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों में प्रशासन और अन्य कर्मी व्यस्त होंगे और इसीलिए भी वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि कोलकाता नगर निगम के पास वैक्सीन की किल्लत भी है। ऐसे में नवरात्र के मौके पर राजधानी दिल्ली में झंडेवालान मंदिर में हर दिन सुबह मां दुर्गा की आरती भी की जाती है। आपको बता दें, 9 दिन लंबा यह त्योहार 15 अक्टूबर तक चलने वाला है। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।